हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है ना, वो वन ऑफ माय फेवरेट कार का होने वाला है। वो है XUV 700। भाई जब ये गाड़ी आई ना, महिंद्रा ने जो गाड़ी लॉन्च करी, इसकी धूम मचा दी थी। मतलब इतने रिकॉर्ड बुकिंग हुई थी ना इसकी, जो 24 घंटे के अंदर ही जो था ना इनका क्रैश हो गया सारा कुछ, और बुकिंग भी रिकॉर्ड तौर चल रही थी, और अभी भी जो है बुकिंग वो रिकॉर्ड तौर चल रही है। लेकिन महिंद्रा की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप सेल्स की बात करोगे ना, तो इससे ज़्यादा सेल्स ना XUV 300 की है, जबकि डिमांड इसकी ज़्यादा है। तो पता नहीं चिप वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है वो भाई मुझे नहीं पता, बट अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इसके साथ, क्योंकि इस गाड़ी को हमने 400-500 किलोमीटर चला के लाए हैं। हम दिल्ली से इसको बद्रीनाथ में लेके आए हैं। अभी बद्रीनाथ में हम दिखाए तो आपको, देखिए अभी हम बद्रीनाथ की वादियों में हैं, और यहाँ पे जो रिजॉर्ट वगैरह है सारे के सारे, अभी ये पार्किंग है उसमें हम खड़ा करके इसका व्यू ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं 400-500 किलोमीटर से चला के लाया हूँ। क्या मुझे फील हुआ, क्या इसमें पॉजिटिव लगे और क्या नेगेटिव लगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको आपकी चाबी से बताता हूँ। हालांकि इस पे कवर लगा हुआ है चाबी पे, तो चाबी में वही लॉक अनलॉक और बूट अगर अनलॉक करना है तो। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी कि भाई 22-23 लाख रुपये अगर बंदा खर्च कर रहा है, मैं आपको इसका ना मॉडल दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये XUV 700 AX5। तो भाई मतलब जो टॉप मॉडल है उससे सेकेंड नीचे इसके ऊपर आता है AX7 और उसके ऊपर लग्जरी। और लो, कंपनी ने इसमें फीचर्स भर भर के दिए, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई है, पुश स्टार्ट बटन। मतलब ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी में ना पुश स्टार्ट बटन आ रहा है स्टार्टिंग से ही। मतलब 12.5 लाख रुपये की गाड़ी आती है उसमें पुश स्टार्ट बटन आ रहा है, इसमें नहीं आती। इसमें भाई फ्लिप की है ये, आप इसे क्लिप से ही लगाओगे। तो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ उसमें की जो है सेम ही आ रही है, आपको जैसे पता है। तो स्टार्टिंग से इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट जो है ना इसका भाई, वो कुछ इस तरह का है। देखो इसके अंदर फ्रंट के ना पार्किंग सेंसर है, फ्रंट कैमरा है जो कि यहाँ पर है, महिंद्रा का नया वाला लोगो है, और सी ग्रिल भाई जबरदस्त लगती है आगे से। लोग अगर इसको आप अनलॉक करोगे ना, इसकी DRL जो है ना वो जल जाएंगी, और नाइट में जब अंधेरा होता है भाई, इसकी जो DRL से बहुत ही ज़्यादा लाइट फेंकती है, तो आराम से आपको गाड़ी नजर आ जाएगी। और अंधेरे में भी अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपको आसपास की चीज़ें नज़र में आ जाएगी। एक फॉग लैंप्स जो है इसके, वो भी इसमें आते हैं। और इसकी जो DRL से देखिए कितनी प्यारी लगती है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, डबल शेड्स आता है DRL को यहाँ तक जाते हैं। और इसके इंडिकेटर्स जो है वो यहीं से जलते हैं, इसी में इसके इंडिकेटर्स जलते हैं। ग्रिल आप देख सकते हो, इसके अंदर साइड के जो इसके अलॉय विम्स हैं, इसमें अलॉय आते हैं। और इसका जो टायर साइज़ है वो है 235/65R17 के इसके अलॉय आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। लुक वाइज आप इस गाड़ी को भाई साहब, मुझे लगता है किसी भी कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको ये गाड़ी लुक वाइज पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे भी इसके अलॉय हैं। बैक की अगर बात करेंगे रेयर की, तो पहले आप ये साइड इसका लुक देख लीजिए। साइड लुक में ये पुरानी XUV 500 की तरह थोड़ी थोड़ी लगती है, बट अगर आप बैक में आएंगे तो बैक में भी इसकी लुक जो है डिसेंट है। मतलब कोई इतनी बुरी नहीं लगती और कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। देखो अपने आप लॉक हो गई गाड़ी, अगर थोड़ी देर बाद अगर आप लॉक नहीं करोगे, आप छूट भूल जाओगे लॉक करना गाड़ी को, थोड़ी देर बाद ये अपने आप लॉक हो जाएगी, तो उसको फिर से अनलॉक करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, इसका जो पार्किंग है कैमरा ये रहा, और पार्किंग सेंसर्स है इसमें दो यहाँ पर, और ये इसी तरीके के पीछे रिफ्लेक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पीछे भी जो है वाइजर दिया हुआ है और वाइपर दिया हुआ पीछे भी। अब मैं उसको गाड़ी को अंदर चल के दिखाता हूँ। एक चीज़ जो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये खुलता है तो खुला ही रह जाता है, फिर ये टूट जाएगा, लॉक भी है गाड़ी, ये सारी चीज़ें, बट ऐसा मतलब ठीक है भी नहीं भी है। तो अगर आप इसको लॉक करोगे ना, तो ये गाड़ी ये खोल लोगे आप, और उसके बाद ये अपने आप अंदर चले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दबा के खोलोगे ना, इसको मान लो आपको गाड़ी को खोलना है, उसको दबा के खोलोगे ये, तो ये यूँ ही रहेगा, फिर ये अंदर अपने आप नहीं जाएगा, फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से खोलोगे तो फिर अपने आप चले जाएगा। तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव, आप जो भी है आप देख लेना। और अगर गाड़ी के अंदर बैठने की बात करेंगे, तो सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर लॉक अनलॉक यहीं से है, ब्लैक शाइनिंग वाला है, नॉर्मल है। यहाँ पे प्लास्टिक है थोड़ा सा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए यहाँ पे भी जो है अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लगा हुआ है। साइड में आप आराम से एक बॉटल रख सकते हो, थोड़ा सा ये सामान है, जैसे कि मैंने ग्लास होल्डर अपना गॉगल का होल्ड वो रखा हुआ है कवर। एडजस्ट हो जाती है सीट्स इसकी, अपराइट और हाइट एडजस्ट हो जाती है। इसको मैनुअली आपको करनी पड़ती है, कोई ऑटोमेटिक नहीं आता है। चलो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी अगर बात करेंगे साइड में, तो भाई साउंड क्वालिटी तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ठीक है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। पहले साइड में एडजस्ट करने का, ऑन ऑफ एडजस्ट करने का, लाइटिंग वगैरह के जो भी देखे, इसके अंदर जो AC के वेंट्स हैं यहाँ पे, इसकी स्क्रीन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है यार। लेकिन एक बात बताता हूँ महिंद्रा वालों, इसकी स्क्रीन ज़बरदस्त है इसका, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सीट्स वगैरह इसकी स्क्रीन है। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें तो उसमें है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें इसका काम भी नहीं करते। आपके अगर मैं दिखाऊंगा, देखो कमिंग सून आ रहा है इसमें। टच भी जो है ना, देखो टच, ये देखो मतलब इतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये एकदम एग्जैक्ट स्मूथ नहीं है।
ठीक है। बाकी इसके जो कंट्रोल्स हैं एसी के, वो ऑटो एसी आता है इसमें, आप कंट्रोल कर सकते हो सारी चीजें हैं, रेयर एसी सब चीजें, इकोनॉमी मोड में चलाना, वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता ही है इसकी बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ पे भी इसके जो है बाकी कंट्रोल्स दे रखे हैं। और एक नेगेटिव चीज और ये है, सीट्स है ना वो वेंटिलेटेड नहीं है, मतलब इतना वो होने के बाद, इतना एक्सपेंसिव होने के बाद वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती है, जबकि आप 22 लाख में अगर आप एमजी हेक्टर लोगे तो उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, फ्रंट भी और बैक वाली भी। बाकी इसका डैशबोर्ड जो है वो बहुत ही सुंदर है यार, नो डाउट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इसके थोड़े से कंट्रोल्स है मीडिया के, आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इसका महिंद्रा का लोगो है, ये बहुत ही सुंदर लगता है जिन्होंने नया लोगो लगाया। टाटा को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी अपना जो लोगो है उसको चेंज कर लीजिए। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड बहुत बड़ा तो नहीं है, बट ठीक है, इट्स फाइन, डिसेंट स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी लक्स रूम बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे कोई पैर नहीं लगता, जैसा कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं टाटा हैरियर के अंदर या फिर सफारी के अंदर पैर लगता है। यहाँ पे स्पेस काफ़ी सारा है, मेरी हाइट जो है वो 5'7" है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए काफ़ी सारा इसमें लेग स्पेस है। यहाँ पे जो है वो लग्जरी फील आता है क्योंकि ये शाइनिंग वाला है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस है कुछ कॉइन वगैरह कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पे एक कप होल्डर है और ये इसका हैंडरेस्ट है जिसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा काफ़ी अच्छा खासा रूम है। यहाँ पे की बनी हुई है ताकि आप अपने की रख सकते हो। और चार्जिंग जो है पॉट, चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ लगता है, जैसे कि मैंने अभी मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा रखा है। और यहाँ पे अंदर जो है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, पता नहीं किस लिए है बट काफ़ी अंदर तक स्पेस जा रहा है भाई। दिखा देता हूँ, ये देखिए अंदर का क्या है। सॉरी हम लोग बद्रीनाथ आए हैं, थोड़ा सा गंदा है। यहाँ पे अगर आप सामान रखना चाहते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। और ये मैट है तो यहाँ पे है ताकि, ये थोड़ा मैट है ताकि आपका कोई सामान अगर रखे हो तो वो फिसले ना, ठीक है। तो ये अपना फोन वापस रख देता हूँ। इसकी ब्रेक्स है, हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं। इसका गियर लीवर है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे भी वूफर वगैरह, इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी दिए गए हैं फ्रंट में, और ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे लाइट्स है जो कि बहुत ही डिसेंट है, वाइट कलर की लाइट्स है, एलईडी बहुत ही सुंदर लगती है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसका सनरूफ है। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ इसको, एलेक्सा ओपन सनरूफ। ओके, बाद में बोलती है, सनरूफ पहले स्टार्ट हो जाती है खोलना। और सनरूफ इसका बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है यार, देखिए पूरा का पूरा उधर तक पैरानोमिक है, और यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा सनरूफ है, आराम से घुस के इसमें बाहर जा सकते हो, और जो भी आपको करना है, फोटो खिंचवानी है, टशन मारना, हवाबाजी करनी है, वो आप कर सकते हो। तो इसकी लाइट्स मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे SOS का, जिसको आप कॉल कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई आप इमरजेंसी में फंसे हुए हो तो। यहाँ पे ग्लास होल्डर आता है, आप अपने चश्मा ग्लास जो भी चीज़ें वो रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आता ड्राइविंग साइड, और पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर आता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। लाइट हालांकि इसमें कुछ नहीं आती है वैनिटी के साइड, यहीं पे इसकी लाइट आती है। अब पीछे वाली सीट में अगर बताते हैं, मेरे साथ चिंटू भाई है, चिंटू भाई वाले बैठ के दिखाओ किस पे। देखो यहाँ से अगर खोलोगे ना आप, यहाँ से अगर दबा के खोलोगे तो फिर ये, अरे यार लॉक के, हाँ ये ऐसे पुश करेंगे तो आ जाएगा आराम से। और यहाँ से पुश करेंगे, अगर यहाँ से पुश करके करेंगे तो फिर ये दोबारा से करना पड़ा। जैसे यहाँ से पुश किया था तो वापस निकल गया, यहाँ से पुश करके खोलूंगा ना ये देख, तो ये यूं ही अटका रहेगा, फिर इसको वापस प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ से पुश करके खोलूंगा तो फिर वापस चले जाएगा। तो एक बार सीट में बैठ के दिखाओ, 5'7" हाइट है भाई की, और अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और हेड रूम भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। बाकी सन रूफ है, देखिए खुल गया है, बाकी यहाँ तक पैरानोमिक सन रूफ है, बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। कल हम लोग बड़ी मस्ती करते हुए आए, वो आप मेरे दूसरे चैनल किशोर वाला व्लॉग्स में देख सकते हो। और एसी का जो वेंट्स है वो यहाँ पे पीछे दिया है, जिसको आप कंट्रोल तो यहाँ से नहीं कर सकते हो, आगे से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे छोटा सा आप मोबाइल रख सकते हो, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट है। और तीन लोग आराम से हम लोग कंफर्टेबली बैठ कर आए हैं बहुत ही प्यार से। तो पीछे वाली अगर सीट्स पर जाना हो भाई, वह पीछे की सीट्स खोल के देखते हैं। और पीछे की सीट्स के लिए आपको यहीं से ओपन करना पड़ेगा, बूट इसका ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ वैसे टच वगैरह वाला नहीं आता है, तो एक मिनट, थोड़ा सामान हमने रखा हुआ है क्योंकि हम 5 लोग ही हैं, तो इसको पूरा हमने बूट की तरह यूज़ कर रहे हैं। सीट में आपको दिखाता हूँ, पर सीट ओपन कर दी ना तो भाई इसमें कुछ भी नहीं बैठेगा। देखो सामान रखने के लिए छोटे छोटे बैग्स ही आ सकते, कोई बड़ा बैग नहीं आ पाएगा। और अगर आप तो टायर की बात करोगे इसके, तो टायर में भी अगेन यहाँ से है, और ये इसके ट्यूब रखे हुए हैं, इसको हटाना पड़ेगा। टायर यहाँ से खुल जाएगा इसका, जो कि नीचे दिया हुआ है सेम साइज़ का, ये देखिए। और इसमें रिम है, कोई अलॉय नहीं है, सेम साइज़ का टायर है। इसको बंद करते हैं भाई, एक बार अंदर जाके दिखाओ। दूर की बात करो तो यहाँ पे कॉइन रखने के लिए है, विंडो ऊपर ऑटोमेटिक है, और बॉटल रखा हुआ है, थोड़ा सा सामान है। पीछे जाने के लिए आपको लेफ्ट वाली सीट से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से इसको हल्का सा पुश किया और ये पूरी की पूरी टंबल होके साइड में हो जाएगी, आराम से इजीली अंदर मिल जा सकते हैं। एक बार जाके बैठना भाई इधर,
देखो भाई आपकी हाइट कितनी है भाई? 5'7" हाइट है। हेड रूम हल्का सा है, ज्यादा नहीं है, बट अगर उछलेगी गाड़ी तो पीछे से लग सकता है। और लेग रूम इसमें आराम से है। यहाँ पे एसी के ये वेंट कंट्रोल, एसी का कंट्रोल का पीछे देखा है उन्होंने, आगे नहीं देखा यार मिडिल रूम में। देखिए पीछे का कंट्रोल करने का दिया हुआ है, एसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है, वहाँ पे साइड में दिखाओ बोतल के, वहाँ पे वो चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। हाँ, और यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए छोटा थोड़ा सा सामान रखने का दिया हुआ है, जो कि इस साइड पे भी है। अगर आप इस साइड की बात करोगे, एसी कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे, बट एसी वेंट्स यहाँ पर है, इसको आप खोल बंद कर सकते हो इजीली। यहाँ से यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक आराम से आप कप या अपना बोतल रख सकते हो। बाकी ये कंफर्टेबल आप देख लो, थोड़ा सा थाई सपोर्ट की कमी है, बट अदरवाइज लेग रूम ठीक ठाक है, डिसेंट है, और हेड रूम भी डिसेंट है। और यहाँ पे होल्ड करने के लिए आपको हैंडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये वाली सीट्स फोल्ड नहीं होती है, एडजस्ट भी नहीं होती आगे पीछे, नहीं भाई ये थोड़ा सा कमी है। अगर इसमें मैं आपको ये दिखाऊँ बैठ के, तो ये सीट, और मैं आपको एक बार इसका सनरूफ दिखा देता हूँ कि भाई कितना बड़ा है। देखो मैं आराम से आ गया हूँ, आराम से इसके सनरूफ में बाहर आ गया हूँ, ठीक है। डिसेंट स्पेस है, और ये देखो उसका शार्क 99 उसमें दिया हुआ है कंपनी ने, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। गाड़ी देखने में तो बहुत ही सुंदर है यार, ज़बरदस्त, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको बताता हूँ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था। एक बार थोड़ा फ्रंट सीट पर बैठेंगे फिर दिखाते हैं। आ जाओ भाई आप आगे, ये देखो मैंने ऐसे खोला था ना, तो ऐसे ही रह गया, इसको बंद करना पड़ेगा। आप खोलने के लिए ये अब वापस बंद हो गया, ठीक है। तो अंदर बैठ के एक बार मैं बताता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी का। मैंने भी चलाई है, भाई ने भी चलाई है, और भाई के मामा जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने भी चलाई है, तो सब मिल के अगर यार सनरूफ बंद कर दे पहले। यार ठंडी आ रही है बहुत ज़्यादा, एक मिनट भाई जरा सनरूफ बंद कर दूँ, ठंड लग रही है, और ठंड भी हल्की फुल्की नहीं हो रही भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है, -9 था कल रात में। एलेक्सा क्लोज सनरूफ प्लीज। ओके, देखो चाबी घुसाई नहीं थी, एकदम घुसाते के साथ ही कर दिया, तब भी रिस्पॉन्स कर रही है, अच्छे से बंद कर रही है। तो जब तक ये बंद कर रही है हम लोग बात करते हैं। भाई आपको क्या लगता है इस गाड़ी को चलाने में? ये पेट्रोल का 2.1 लीटर का इंजन है, तो कैसा लगा आपको अभी तक चलाई जब आपने गाड़ी? मेरे को एक तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत स्मूथ है, जिस हिसाब से गाड़ी बड़ी है ना, उस हिसाब से इसको कंट्रोल करना ना बहुत स्मूथ गाड़ी चलती है। इसमें मेरे को कोई इशू नहीं आता कि मतलब स्टीयरिंग करने में, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। अगर आप 100 क्रॉस करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता है कितनी जल्दी 100 क्रॉस कर जाती है। एंड इट्स रियली स्मूथ, इट्स गुड, और लेग स्पेस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है इसका, चाहे आप पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, बहुत ऑसम लगता है। इसके अलावा इसकी माइलेज, इसकी माइलेज थोड़ी सी कम है, इसकी माइलेज कम देती है ये, बट अब वो तुमने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है तो फिर वो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, दैट्स व्हाई यू हैव परचेज दिस कार। सो बट एलेक्सा भी बहुत अच्छे से काम करता है, सनरूफ एंड ऑल, एलेक्सा एक्टिव हो गया भाई। और ये बहुत सेंसिटिव है, अगर आप एक बार बोलोगे ये जब ही एक्टिव हो जाता है एलेक्सा, आप एक बार ट्राई करोगे। आई डिडंट गेट दैट, इफ यू से एलेक्सा इजंट रीचेबल, इफ यू विल से एलेक्सा देन विद इन अ सेकंड रिस्पॉन्ड आता है इसका, चाहे तुमने जब भी गाड़ी ऑन करी हो या ऑफ हो, ऑफ कर दे आप जैसे ही चाबी लगाओगे और जैसे ही ऑन होगा वो जब भी रिस्पॉन्ड कर देगा, आप जब भी बोलोगे एलेक्सा देन इट विल रिस्पॉन्ड एट द सेम मोमेंट विद इन अ सेकंड, फिर एक्टिव होगी एलेक्सा स्लीप। यार इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस टू ड्राइव दिस बीस्ट एंड इट्स ऑसम, आई लाइक टू ड्राइव दिस। बस माइलेज का थोड़ा इशू है, वो डिपेंड करता है, तो इट्स गुड From my side. भाई देखो मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे को क्या फील होता है, गाड़ी 2.1 लीटर की पेट्रोल इंजन है, इसमें जब आप एक्सलेट करोगे ना, जैसे एक्सलेट करोगे आपको दूसरे तीसरे चौथे गियर में हो, स्पीड अगर आपकी 30-40 भी है ना, ये तुरंत भागती है, तुरंत मतलब इसको बताना है एक्सलेट किया गोली की तरह भागती है, आपको ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मतलब स्टेबली तो ऐसी है कि आपको, और दूसरी बात ये आप इसमें बहुत ऊंचे बैठते हो, जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ और देखिए बोनेट पूरा क्लियर मुझे विजिबल है, इसके वो चारों कॉर्नर मुझे बस जो है एक और दो मुझे क्लियरली विजिबल है, और यहाँ से भी जो ORVMs हैं वो इसके बहुत ही बड़े हैं, उस मेरे को पूरा अच्छे से व्यू देते हैं, उधर वाले ORVM जो है मुझे अच्छे से व्यू दे रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत प्यारी है। दूसरी चीज़, आपको पता नहीं चलेगा आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, बहुत इसकी हैंडलिंग इतनी प्यारी है, इसका स्टेयरिंग बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा लाइट, ऑल्दो जब आप तेज चलाओगे तब थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा, वो होना भी चाहिए क्योंकि जब आप तेज चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि एकदम से हल्का सा टर्न किया और गाड़ी एकदम साइड में चली गई, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, कंफर्टेबल है, मतलब सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इसके अंदर ऑप्शंस जो है, फीचर्स बहुत ज्यादा दिए हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे हैं जो चलते नहीं है, जैसे कमिंग सून में आपको पहले भी बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो प्रैक्टिकल है, और बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल मिसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया वेंटिलेटेड सीट इसमें नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। पुश स्टार्ट बटन प्रैक्टिकल है, इसमें नहीं है।
ठीक है, बट लेकिन वो जो भी है मतलब गाड़ी आप कंपनी के अपने अपनी सबकी पॉलिसीज होंगी वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। इसमें कमियां क्या है भाई, इसके अंदर ना जो ये है ये विंडो, ये कभी कभी ना काम ही नहीं करता है। मतलब अगर आप पीछे से कंट्रोल करोगे आगे से कंट्रोल करोगे कभी नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद दोबारा से ये काम करना स्टार्ट कर देगा, तो ये इसकी कमी है। दूसरी एक कमी है जब ये गड्ढों में जाती है ना तो यार पता नहीं कि इसके सस्पेंशन एक अजीब सी आवाज करते हैं, तो वो मुझे मतलब अब आप यार ऑफकोर्स गाड़ी में जा रहे हो, नई गाड़ी है अभी कुछ ज्यादा चली हुई नहीं है, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मतलब एक साल भी नहीं हुआ, अभी जनवरी में ली थी और अभी नवंबर चल रहा है तो जनवरी में इसको एक साल होगा, तो उस एक साल के अंदर भी अगर आप गाड़ी को लेके जा रहे हो गड्ढों में तो ऑफकोर्स ये हैंडल अच्छा कर लेती है, गड्ढों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक आवाज ऐसा करती है जैसे सही बताऊं मेरे मैं वैगनार में चलता था ना तब वो वैगनार ऐसी आवाज करती थी जब गड्ढों से निकलती थी, ये एग्जैक्टली वैसे ही आवाज कर रही है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरी चीज ये है कि यार अब वो आप नेगेटिव या पॉजिटिव वो जो भी है आप देखिए इसकी एवरेज जो है ना मेरे को लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 की होगी। मैं इसको 80-90 पे भी जब चला रहा था तब इसने मेरे को 13-14 के आसपास एवरेज दिखाई थी। एक चीज और है, ये बंद करोगे ना आराम से इसकी की निकलेगी भी नहीं, आपको स्टेयरिंग को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके निकलेगी, स्टेयरिंग को हिला के फिर निकलेगी और ये गुड बाय कहेगी आपको, गुड बाय। और ये एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसका जो स्टेयरिंग है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी के बाद भी उन्होंने भाई साहब सिर्फ टिल्ट दिया है, ये देखो, तो उसको वहां पे वापस एडजस्ट कर देते, थोड़ा सा नीचे एडजस्ट था यहाँ पे, तो टिल्ट एडजस्ट होता बस, टेलीस्कोपिक नहीं होता है, तो इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी इसके अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस XUV700 के साथ, तो अगर आपको अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं इसके, और जो बायर्स हैं उसके जो यूज़र्स हैं उन लोगों को भी ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक या दो गाड़ी के साथ है, तो पहला लॉट है, हो सकता है कंपनी के पास इसको रेक्टिफाई कर रही हो और इस पर कुछ आगे काम करे, बट अभी तक ऐसा कुछ कंपनी से कुछ आया नहीं है, और फिलहाल ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको अपनी गाड़ी का वीडियो बनाना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप नीचे गए दिए गए लिंक पे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी वीडियो भी बना देंगे, आपकी गाड़ी का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।